वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मीना तारिक हमारे साथ मौजूद हैं और आज मीना भाजी कुछ ऐसे सवाल और उनके जवाब लेकर आई हैं आपके लिए जो पिछले 2-3 हफ्ते से कहते हैं ना पाइपलाइन में फंसे हुए थे और बारी उनकी नहीं आ रही थी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। पेंडिंग सवालों को हम क्लियर पेंडिंग सवालों के इसलिए आज हमने नए सवाल नहीं लिए, पर मैं थोड़ी सी और कुछ बात भी करना चाहती हूँ जरूर सवालों के पास जाने से पहले। सो हम बड़ी दफा जब बात करते हैं ना तो हम तौसीक को इस बारे में करते हैं कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करें तो आप किस तरह सोचें, आपकी मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, अपने अंदर हिम्मत कैसे लानी है, मोटिवेशन कैसे लानी है, इंस्पिरेशन कहाँ से ढूंढनी है, ये सारी बातें हम बिल्कुल, मगर ये बातें हम उन लोगों को करते हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना होता है, राइट। आज मैं थोड़ी सी बात उन लोगों को करना चाहती हूँ जो इन लोगों के इर्द गिर्द मौजूद हैं, यानी कि अगर आप वो इंसान हैं जिसके करीब कोई और इंसान बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा है, कोई आइडिया लेके आता है, कोई बात करता है, तो आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, यानी फैमिली में भी हो सकता है, दोस्तों में भी, मोहल्ले में, कॉलीग, कोई भी आपके इर्द गिर्द, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि एज अ सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली हम अपने डर भी लोगों के ऊपर ना प्रोजेक्ट करते हैं, कैसे क्या कहेंगे इसको उर्दू में, हावी करते हैं और लोगों के ऊपर, मतलब हम अपना खौफ दूसरे पे हावी करते हैं, बिल्कुल। तो अगर कोई और हिम्मत कर भी रहा होता है ना तो अमूमी तौर पे या अमूमन तौर पे, क्या इसको अब उर्दू में, आज उर्दू मेरी खराब हो गई है, तुम्हारी उर्दू बिल्कुल ठीक, पहले तुमने बिल्कुल ठीक है, अमूमी तौर पे हम जो है ना उनको उल्टा और डरा देते हैं या उनको किसी तरीके से पुट डाउन कर देते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना ये बिजनेस स्टार्ट करना ये बड़ी एक बहुत मुश्किल और बहुत लोनली जर्नी होती है, तो इसमें आपको सपोर्ट सिस्टम्स बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, तो बड़ी सही आपने सपोर्ट सिस्टम बनना भी है किसी और के लिए। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल दीजिए। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा आपको आके कहता है कि मैंने कोई चीज करनी है साइड पे, मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ पर मैं ये चीज ट्राई करना चाहता हूँ, या मैं नौकरी तो कर रहा हूँ या तो आइदर केस में, राइट, अगर वो कोई पढ़ाई भी कर रहा है और वो साथ कुछ करना चाहता है तो आप उसको इनकरेज करें, अगर कोई नौकरी कर रहा है वो साथ करना चाहता है आप उसको इनकरेज करें। जब हम पहले से सिर्फ डराते हैं, पैसे लूज कर दोगे, क्या फ़ायदा इसका, कोई नहीं खरीदेगा, ये तो फलाना भी बेच रहा है, ये तो फलाना भी ऐसे ही कर रहा था, वो तो तुम्हारे मामू ने भी किया था, हाँ, देखो बिल्कुल पैसा डूब गया। मिसालें इर्द गिर्द की देने लग जाते, मिसालें जबकि वो मिसालें शायद रेलिवेंट भी ना हो, शायद मामू ने किसी और, दुनिया ही बदल जाती है, पहले कहते थे हर 10 साल बाद दुनिया नई हो जाती है, अब तो लगता है हर दूसरे साल बाद दुनिया में कुछ ऐसा हो जाता है, तो हम कहते हैं ये तो कोई नई दुनिया है, इस दुनिया में तो हम रहे नहीं, राइट। तो वो पुरानी बातें या पुराने रीजन या वजूहात या स्टोरीज जो है ना उनको हम करते हैं, या रिस्क बताना शुरू कर देते हैं, गिनवाना शुरू कर देते हैं, या हम किसी के आइडिया के अंदर से कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन मीना ये भी तो है कि मैं देख रहा हूं कि मेरी बेटी या मेरा बेटा या मेरा भतीजा या मेरी छोटी बहन कोई ऐसा अहमकाना कदम उठाने वाली है या वाला है जिसके अंदर साफ नजर आ रहा है कि पैसा डूब जाएगा, तो रोकू ना? आई थिंक आप उनको एडवाइस दें, और मगर एडवाइस भी किसी चीज के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए ना, वो सिर्फ आपका ओपिनियन नहीं होना चाहिए, ये साफ नजर शायद आपको आ रहा है, शायद आपको गलत नजर आ रहा हो, आपने कैसे वैलिडेट किया इस बात को कि ये वाकई कोई ठीक या कोई गलत चीज़ है, कोई आप एडवाइजर ढूंढ दें उनको, कोई मेंटर ढूंढ। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात हुई थी पिछले दिनों, मैं कुछ बिजनेस कोचिंग टाइप करती हूँ, तो किसी ने मेरे साथ एक सेशन बुक कराया, वो यंग सा लड़का था और उसने मुझे आके कहा कि असल में मेरी अम्मी आपकी वीडियोज़ देखती हैं, मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तुमने पहले इनसे बात करनी है, उन्होंने मेरे लिए सेशन बुक किया है आपसे बात करने के लिए। तो मुझे एक तो खुशी बहुत हुई, वैसे ही आपका दिल बहुत खुश हो जाता है ऐसी बात सुन के, मगर मुझे ये एहसास हुआ कि देखो ये होती है ट्रू सपोर्ट, कि आपको उनको शायद डर हो, उनको भी लग रहा हो, अब उनका बेटा पैसे भी लगा रहा है, टाइम भी लगा रहा है, एफर्ट भी लगा रहा है, जॉब की जगह ये कर रहा है, तो उनके दिल में बहुत सारे खदशात होंगे, बट बजाय इसके कि वो उसको आउटराइट रोक दें, लड़ाई करें या उसको पुट डाउन करें, उन्होंने कहा भाई ये मैं तुम्हें एक एक्सपर्ट ढूंढ देती हूँ, तुम इनकी इनसे डिस्कस करो और वो तुम्हें बताएं कि ये आइडिया ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा, तुम मेंटरिंग ढूंढो, तुम कंसल्टेंट्स ढूंढो। अच्छा, हम सवालों पे जाने से पहले आपने बहुत अच्छा आज ये पॉइंट रेज किया, इसमें एक इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जो कहा जाता है कि हमारे तो पूरे खानदान में किसी ने कारोबार नहीं किया, या तो हम तो हमेशा नौकरी पेशा रहे, या हम भाई हम तो हमेशा मतलब सरकारी नौकरियां करते रहे, बिल्कुल, या हमारे तो पूरे खानदान में सब फौज में जाते हैं, या हमारे पूरे खानदान में तो सब कारोबार ही करते हैं, बिल्कुल। ये आप इसमें बिलीव करती हैं कि कोई एक फैमिली होती है जो कारोबारी फैमिली हो, कोई नौकरी पेशा फैमिली, इसमें बिलीव करती हैं?
सो ये नौकरी पेशा फैमिली वगैरह नहीं, बट हाँ ये है कि अगर आपकी फैमिली में लोगों ने पहले कारोबार किया होता है ना, तो एक नॉलेज आपके पास आ रही होती है, तो आपके चांसेस ऑफ वो वाली गलतियाँ ना करना शायद इंक्रीज हो जाते हैं ना. मतलब अगर मेरे अबू बिजनेस करते आए होते पूरी ज़िंदगी, वो डॉक्टर ना होते, उन्होंने बिजनेस किया होता, तो मैंने ऑलरेडी लर्न कर लिया होता उनको देख के बहुत सारा तरीका, तौर तरीके, बहुत सारी गलतियां ना करना, बहुत सारे सही तरीके से मैंने क्या करना है क्या नहीं करना. मैं अब सोचती हूँ मेरे साथ मिराना जब ऑफिस जाती है, तो शायद जब वो बड़ी होगी मुझे देखते हुए या उम्र को देखते हुए हम बिजनेस चला रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो एब्जॉर्ब कर लेगी कि हम कैसे कल्चर बिल्ड कर रहे हैं, हम कैसे लोगों को ट्रीट कर रहे हैं. पढ़ रही बिल्कुल, होती बिल्कुल. आप कैसे डील कर रहे हैं. एब्सोल्युटली. सो अगर आप पहले से बिजनेस फैमिली से हैं तो हाँ आई थिंक कि आपको कुछ चीज़ें बेहतर शायद आती हों, मगर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि एक ऐसा पर्सन जो कि नॉन बिजनेस फैमिली से है वो अच्छा बिजनेस पर्सन नहीं बन सकता. मेरी अपनी फैमिली में कोई भी बिजनेस में नहीं था. बल्कि उमर की फैमिली में भी बिजनेस करवाती हैं. बिल्कुल. मेरे फादर डॉक्टर हैं. मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोग या आर्मी में थे या डॉक्टर्स थे या इंजीनियर्स थे, मतलब यही सारे प्रोफेशंस थे. और वो अपने आप को बहुत वही प्रोफेशनल हम फैमिली हैं, यू नो जॉब्स करते हैं, जॉब पेशा फैमिली. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है. बट अगर हम इन माइंडसेट से नहीं निकलेंगे तो फिर तो कोई भी नई चीज़ नहीं ट्राई करेगा. हाँ, थोड़ा सा रिस्क सारे उसी में लगेंगे. बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा जी, अब आप तैयार हैं पिछले 2-3 हफ्तों के? बिल्कुल, आज हम जितने ले सकते हैं जरूर. सवालात? बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है जी. अहमद अली नवाब शाह से. मीना बाजी, थोड़ा सा हम स्टूडेंट्स के बारे में भी सोच लिए कि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम कौन सा ऐसा काम सीख कर पैसे कमा सकते हैं. वैसे कौन से कोर्सेज हैं जिससे हम 2-3 माह में पैसा कमाने के काबिल हो जाएं? आई थिंक बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज हैं. इनमें डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन मौजूद हैं. इनमें एक्चुअली वीडियो एडिटिंग के अराउंड बहुत सारे, पिक्चर एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, रील क्रिएशन, कॉन्टेंट क्रिएशन, बहुत सारे इस तरह के डिफरेंट कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन मौजूद हैं. पर असल बात अगेन वही है जिसमें हमेशा इस पर बात करती हूँ, आपका अपना इंटरेस्ट, आपका अपना पैशन, आपका अपना टैलेंट क्या है. एक ऐसा पर्सन जिसको वीडियोज़ में इंटरेस्ट ना हो, मैं उसको कहूँ भाई वीडियो एडिटिंग सीख लो बहुत पैसा कमाओगे, फ़ायदा नहीं. वो सीख लेगा मगर वो काम करेगा नहीं क्योंकि उसको मज़ा नहीं आएगा. सो वो चीज़ ढूंढने जिसमें आपको मज़ा आता है. पैसा हर चीज में कमाया जा सकता है अगर वो चीज आप दुनिया में सबसे अच्छी करने की कोशिश करें तो. और तो आप असल बात ये आप दिल से करें. बिल्कुल शौक हो आप. बिल्कुल. जवेरिया हमें कसाना फतेह जंग से याद करती हैं, कहती है मीना बाजी कैसी हैं, प्यारी तो आप बहुत हैं. थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू. और हमेशा बिजनेस की प्यारी प्यारी बातें भी करती हैं. आज ये तो बताएं कि बिजनेस गुरु होने की वजह से क्या आप खरीदारी जब खुद करने जाती हैं बाजार में, तो वो खास टूल्स जो दुकानदार दुकानदारी करते हुए इस्तेमाल करता है, आप भी खरीदार बनकर उनसे किसी तरह से उस चीज की कीमत कम कराने में कामयाब हो जाती हैं, उन टूल्स का मुकाबला कर लेती? नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करती. मैं तो कहती हूँ मुझे मेरी शक्ल देख के लोग प्राइस बढ़ा देते हैं. मुझे लगता है उनको पता लग जाता है ये बिल्कुल बेवकूफ़ है, इसको कुछ आइडिया नहीं है, इसको जो मर्जी प्राइस लगाओ. मेरे साथ हमेशा ये होता है. बट ऑल्सो ये आपके आई गेस इंटरेस्ट या कैपेसिटी की भी बात होती है. मेरा ये बिलीफ है कि हमारी मेंटल कैपेसिटी जो है ना, उन चीज़ों पर ज़्यादा हमें स्पेंड करनी चाहिए जिनसे हम ज़्यादा वैल्यू निकाल सकें. तो वो उस टाइप की चीज़ों के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा जो है ना तवज्जो नहीं देती, सच्ची जो बात है. अच्छा जी, मोहम्मद आमिर गंजियाल तहसील कायदाबाद जिला खुशाब से हमें याद करते हैं और कहते हैं मीरा बाजी कैसी हैं आप, माशाल्लाह आपका बहुत तजुर्बा है, आपकी बातों से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है. मेरा बिजनेस ट्रैवल एंड टूर ट्रैवल एजेंसी का है. ठीक है जी, मैंने काम 2018 में शुरू किया था. मुझे कुछ ऐसा बताएं कि एयरलाइन की टिकट्स मेरे पास ज्यादा हों, कस्टमर कैसे मैं ज़्यादा बढ़ा सकूँ, इस बिज़नेस के हवाले से कोई मशवरा? तो मैं समझना ये चाहूँगी इनके बिज़नेस के बारे में कि ये इस वक्त अपनी मार्केटिंग कैसे करें, क्योंकि ट्रैवल और टूरिज़्म तो कंटेंट मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए परफेक्ट सेक्टर है. क्योंकि ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है जो लोगों का दिल चाहता है करने का, वो पहले ही चाह रहा होता है. सो अच्छी बात यह कि आपकी जो मार्केट है ना, वो ऑलरेडी दिल से चाहती है कि वो ये कर सके. अफोर्डेबिलिटी की ज़ाहिर बात होती है, मगर आपका ये काम है कि आप उनको इतनी अच्छी तस्वीरें, इतनी अच्छी वीडियोज़ बार बार दिखाएं, इतना वो जो उनके दिमाग में ना कि जब हम जाएंगे तो मज़ा आएगा, वो उनको होते हुए बार बार दिखाएं, ताकि फील गुड फैक्टर, ताकि उनको ये एहसास हो कि दे नीड टू सेव अप एंड डू दिस. एंड दैट्स व्हाई ट्रैवल एंड टूरिज्म में कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग दोनों बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके हैं. पैकेजेस बनाएं, पैकेजेस सेल करें, बंडलिंग कर सकते हैं. बिल्कुल. टाइम ऑफ द ईयर जरूर देखें, आगे छुट्टियां आ रही हैं, गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, सीजनैलिटी, नॉर्थ के पैकेजेस भेजें, सर्दियों की छुट्टियां आ रही हैं, तो इस तरह की थोड़ी सी वर्किंग करने की. बिल्कुल बिल्कुल. मैं भी आपको और आप तो पुराने बिजनेसमैन हैं, तो ऐसी कैसे थोड़ी नहीं आपसे सीख सीख के मैं भी मशवरे देने लग गया. अच्छा जी,
शाहनवाज ने हमें याद किया भेरा से. कहते हैं आदाब तौसीक भाई, आदाब आदाब. आप दोनों को कहना ये चाहता हूं, यानी आप दोनों को, मुझे और तुम्हें मीना को, चाट और दही भल्लों का बिजनेस अब जल्द आप दोनों शुरू कर दें. अच्छा, क्योंकि हम बहुत अरसे से सुनते चले आ रहे हैं कब करना है कब करना है. बिल्कुल ठीक है जी. और सबसे पहला कस्टमर आपका मैं बनूंगा. वाह जी वाह, वाह जी वाह. मीना बाजी की सपोर्ट के साथ आपका बिजनेस चल पड़ेगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ. अच्छा बस डन करें जी, ये तो मतलब पीर साहब हैं शाहनवाज साहब, उन्होंने तो मुझे जा बच्चा कर ले, जा तेरा बिजनेस चल जाएगा. सही बात है, सही बात है ना. तो मेरा चाट खाने का दिल भी चाह रहा है ना. तो मेरा ख्याल है दही भल्ले फिर कोई बिजनेस प्लान बनाते हैं. मैं सीरियसली कह रहा हूं, सही बात है, एक्सपेरिमेंट करते हैं. सही है. मेरे जहन में एक रावलपिंडी में रहते हैं एक बहन भाई हैं. अच्छा. वो मेरे जहन में है, वो लड़की जो है ना मेरे ख्याल में वो रेडी पे और वो उसका भाई वो मिलके वो हमारे फ्रंट फेस वो हूं. अच्छा. और बैक एंड पे मैं और मीना तुम काम करेंगे. जबरदस्त है ना, डन करें, ये बिजनेस करते हैं, डन करें, उन बच्चों को इन्वॉल्व करें. मैं इन हूं, बिल्कुल डन. सलमान बाबर नक्याल से, ठीक है, कहते हैं मीना बाजी कैसी हैं. मीना बाजी मैंने जॉब के साथ साथ बिजनेस भी शुरू कर दिया है. बिजनेस तो मैंने ऐसे ही शुगल में शौक से शुरू किया था, लेकिन सोचा ये था कि चल गया तो ठीक है, ठीक है, वरना कोई बात नहीं, जॉब तो है ही. बिल्कुल. मैंने अपने घर की छत पर खरगोश पालने का बिजनेस. ओह वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, घर की छत पर मैंने नक्याल में जबरदस्त अपने घर की छत पर खरगोश पालने का बिजनेस शुरू किया है. उनके बच्चों को फरोख्त करके मैं बहुत अच्छा पैसा कमाना शुरू कर चुका हूँ. वाह जी. अब सोच रहा हूँ जॉब छोड़ दूं. अच्छा, आपका क्या मशवरा है? सो डिपेंड करता है अगेन कि आपका जो बिजनेस है उसमें सीजनैलिटी क्या है, क्या कोई हाई सीजन लो सीजन होता है, उसके के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, अब क्या उसका स्कोप क्या हो गया है, कितने ज़्यादा अब आपके पास रैबिट्स जो हैं वो हैं, रैबिट्स की बीमारियां क्या होती हैं, क्या ये हो सकता है कि वो एक गो में सारे के सारे खुदा ना खास्ता कोई उनको किसी मसले का शिकार हो जाएं. तो आप थोड़ा सा रिस्क एनालिसिस अपना करें कि इस पॉइंट पे, और आपकी अर्निंग अब कितनी होनी शुरू हो गई है, तो क्या आपकी अब करंट अर्निंग मतलब आपकी मंथली अर्निंग को कवर कर लेती है कि नहीं, पहले तो कितनी तनख्वाह थी और अब कितना कमा रहे हैं, अगर उसको क्रॉस कर गई है तो बिल्कुल, तो फिर आप सोच सकते हैं. लेकिन ऐसा हम आपको ये नहीं कहेंगे जी नौकरी छोड़ दो. नहीं नहीं, रिस्क अपना खुद एनालाइज करने की जरूरत है. एग्जैक्टली. मीना सवाल तो अभी भी बहुत है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ावी का. और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को टेकअप करें. लेकिन यहाँ हम आपको बताते चलें कि आप डायरेक्टली मुझसे या मीना से हमारे इंस्टाग्राम पे, और उससे भी बढ़कर राइजिंग पाकिस्तान का जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर रब्ता कर सकते हैं. आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं अपने सवाल, और ये PTV की, राइजिंग पाकिस्तान की और मीना की ये फ्री आपको ऑफ़र है कि आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपको आपके कारोबार के हवाले से आपको फ्री एडवाइस मीना बाजी की दी जाती है. सो थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू ऑलवेज कि ये सारे लोग इतने अच्छे सवाल भेजते हैं और इतना मजा आता है. आप रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और अभी और भी बहुत कुछ है राइजिंग पाकिस्तान में. स्टे विद अस.